कौन? वो जिसके बारे में इतिहास में यशगान किया गया, या फिर वो जिसने अपना पूरा जीवन ही देश के लिए कुर्बान कर दिया? बदकिस्मती से हमारे देश के इतिहास लेखन में महान हस्तियों को हाशिए पर रखा गया, जबकि क्रूर और अत्याचारी शासक को महान का दर्जा दिया गया। इतिहास के आईने में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुगल शासक अकबर की तथाकथित महानता का सच और महाराणा प्रताप और शिवाजी से हुई साजिश की कहानी। शाह अकबर पर मेहरबानी, महाराणा प्रताप से मनमानी। टीपू सुल्तान पर नवाजिश, शिवाजी महाराज से साजिश। महानायक की द ग्रेट मुजरिम। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ऐसे महानायकों की कमी नहीं, जिनके शासन काल में देश ने विकास और खुशहाली की नई नजीर पेश की। इन महानायकों ने न सिर्फ अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से राजकाज संभाला, बल्कि आम जनता की आजादी और बेहतरी के लिए विदेशी हमलावरों और बेरहम बादशाहों का भी बहादुरी से सामना किया। पर अफसोस कि इनमें से ज्यादातर हस्तियों को इतिहास में या तो जगह नहीं मिली, या फिर उनके योगदान और बलिदान को बेहद कमतर साबित करने की कोशिश की गई। ये बताने की जरूरत नहीं कि भारत के प्रचलित इतिहास में सिर्फ दो शासकों को महान का दर्जा दिया गया, जिनमें एक नाम सम्राट अशोक का है और दूसरा मुगल शासक अकबर का। जाहिर है इस देश को सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब के चश्मे से देखने वालों ने ऐसे कई वीर सपूतों की अनदेखी कर दी, जिनका योगदान तथा कथित अकबर महान से किसी मायने में कम नहीं रहा। और आज हम महानायकों के ऐसे ही मुजरिमों की साजिश का सच आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकबर की, जिनके बारे में इतिहास में ये लिखा गया है कि उनसे ज्यादा सेक्युलर, सहनशील और साहसी शासक कोई दूसरा नहीं था। सवाल है कि क्या वाकई ये सच है, या फिर अकबर को जानबूझकर महिमा मंडित करने की कोशिश की गई। अकबर पर एनसीईआरटी का अधूरा ज्ञान। ये एनसीईआरटी की इतिहास की किताब का वो हिस्सा है जिसमें मुगल बादशाह अकबर का यशगान किया गया है। इसमें लिखा गया है कि अकबर ने किस तरह अपनी राजपूत नीति की बदौलत विरोधियों को मात दिया, और सन 1576 की हल्दीघाटी की लड़ाई में अकबर के सेनापति मानसिंह ने महाराणा प्रताप को कई बार शिकस्त दी, जिसके बाद ज्यादातर राजपूत राजाओं ने अकबर की दासता कबूल कर ली। लेकिन हल्दीघाटी की लड़ाई का विजेता कौन था, इसे लेकर इतिहासकारों में जबरदस्त मतभेद है। राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा की शोध में बड़ा खुलासा, हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। अगर महाराणा प्रताप हार गए थे तो उन्होंने पट्टे कैसे जारी किए? चौंकाने वाली बात तो ये है कि एनसीईआरटी की किताब में जिसे हल्दीघाटी की लड़ाई कहा गया है, उसे खुद मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने खमनौर के युद्ध का नाम दिया है। उनके मुताबिक हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप थे ही नहीं। अलबत्ता खमनौर की जंग में उनका जरूर मुगल सेना से सामना हुआ। सच जो भी हो, पर यह साफ है कि एनसीईआरटी के इतिहास में महाराणा प्रताप को वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पिछले 2-3 दशकों से महाराणा प्रताप के संबंध में इतिहास लेखन में एक वस्तुनिष्ठता और एक सच्चाई देखने को मिल रही है। दरअसल जब यहाँ पर इतिहास लेखन की प्रक्रिया आई, खास करके आज़ादी के बाद जिस तरह से सरकारों का दृष्टिकोण रहा
और विशेष रूप से जब केंद्र सरकार में नूरुल हसन मिनिस्टर बने जो कि शिक्षा मंत्री थे उस समय में, तो ज़्यादातर हमारे भारत का जो इतिहास लेखन था वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से भर गया। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, चाहे वो अलीगढ़ स्कूल के इतिहासकार हैं, चाहे वो केंद्र के अन्य इतिहासकार हैं, जिन्होंने संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप की छवि को उस रूप में नहीं रखा जिस रूप में वो उन्हें रखना चाहिए था। महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान की चर्चा बाद में करेंगे। पहले अकबर को महान बताने वाली NCERT के तथ्यों और हकीकत का दयावान नहीं, बेरहम था अकबर। इतिहास की किताबों में अकबर के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो न सिर्फ सेकुलर था बल्कि बेहद न्यायप्रिय और दयावान भी था, पर इस झूठ की भी पोल खुल चुकी है। यहाँ हम आपके सामने अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की किताब अकबर द ग्रेट मुगल में दर्ज हकीकत को ही एक एक कर सामने रखती है। घायल हेमू का बेरहम हत्यारा अकबर। इस किताब में विंसेंट स्मिथ ने पेज नंबर 38 से 40 तक हिंदू राजा हेमू और अकबर के बीच हुई पानीपत की लड़ाई का जिक्र करते हुए लिखा है कि जंग के दौरान जब आंख में तीर लगने से हेमू बेहोश हो गया तो अकबर ने बेहोश हेमू का सिर काट लिया, जिसके बाद अकबर को एक गैर मुस्लिम को मौत के घाट उतारने के कारण ही गाजी के खिताब से नवाजा गया। बैरम खान की बेवा को भी नहीं छोड़ा। बैरम खान अकबर का बेहद भरोसेमंद सेनापति था जिसकी शादी अकबर के रिश्ते में बहन लगने वाली सलीमा से हुई थी। कहा जाता है कि अकबर बैरम खान को पिता की तरह मानता था, पर विंसेंट स्मिथ की किताब में साफ लिखा है कि अकबर ने पहले तो बैरम खान को देश से निर्वासित किया, जिसके बाद बैरम खान की हत्या कर दी गई और फिर अकबर ने उसकी बेवा सलीमा को अपनी बीवी बना लिया। अकबर ने कराया चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम। इतिहास के सबसे बड़े कत्लेआम में से एक था चित्तौड़गढ़ का कत्लेआम, जिसमें हजारों राजपूत योद्धाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब में मुगल इतिहासकार अबुल फजल का हवाला देते हुए लिखा है कि राजपूतों की रक्षा पंक्ति को तोड़ने में नाकाम होने के बाद अकबर ने राजपूतों को कुचलने के लिए पागल हाथी छोड़ दिए। उससे भी दिल नहीं भरा तो अकबर ने किले के सहायकों के कत्लेआम का हुक्म दिया। मुगल सेना के हाथ लगने से बचने के लिए करीब 300 राजपूत औरतों ने आग में कूद कर जान दे दी, जिसे जौहर कहा जाता है। इस कत्लेआम में 30,000 लोग मारे गए। मरने के बाद राजपूत योद्धाओं के शरीर से जनेऊ उतार लिए गए। उतारे गए जनेऊ का वजन करीब 74 मन यानी 30 क्विंटल था। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ के कत्लेआम में कितने लोग मारे गए। बावजूद इसके अकबर को इतिहास में महान का दर्जा दिया गया। सवाल है क्यों? राजा मान सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। राजा मान सिंह ने अकबर की अनुमति से एक मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन जब हिंदुओं को पता चला तो हिंदुओं ने उस मंदिर में जाने का बहिष्कार इसलिए कर दिया कि क्या एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए राजा की अनुमति आवश्यक है? और फिर जब दोबारा एक मंदिर का निर्माण बिना अनुमति के राजा मानसिंह ने बनवाया तो उसे अकबर ने रुकवा दिया। और ये घटना 1595 की है कि उसने उस मंदिर को बाद में मस्जिद में परिवर्तित करा दिया। किसी भी प्रकार से, किसी भी अंदाजे से, किसी भी दृष्टि से अकबर को सहिष्णु, हिंदू सहिष्णु कहना मुझे नहीं लगता कि ये संगत है, क्योंकि मध्यकालीन शासन व्यवस्था कहीं भी ये प्रदर्शित नहीं करती कि कोई सम्राट, कोई राजा इतना सहिष्णु हो कि वो सभी धर्मों को लेकर समान रूप से सोच सके और विशेष रूप से हमारे सनातन मूल्यों की रक्षा कर सके। एक तरफ जहां इतिहास की किताबों में अकबर जैसे बेरहम शासक को महान कहा गया, तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे देशभक्त शासकों की अनदेखी की गई। शिवाजी के साथ इतिहास में साजिश। कुछ इतिहासकार मानते हैं
कि शिवाजी धोखेबाज, लुटेरे और पहाड़ी चूहे थे, जबकि सच तो ये है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की बेरहम और आतताई नीतियों के खिलाफ मराठा समाज को एकजुट करने वाले शिवाजी ने मरते दम तक देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से समझौता नहीं किया। NCERT की इतिहास की किताब में दर्ज है कि शिवाजी ने बाजीपुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी, कि शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी, लेकिन ये सच अधूरा है। क्योंकि बीजापुर के शासक आदिल शाह शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था। आदिल शाह ने इसके लिए अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान शिवाजी से गले मिलकर उनकी हत्या करना चाहता था, पर उसकी चाल उल्टी पड़ गई और वो शिवाजी के बघनके से मारा गया। दरअसल शिवाजी महाराज ने मुगलों की विशाल सेना को पस्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की, जिसकी बदौलत उन्होंने दुश्मनों को कई बार मार दिया। बावजूद इसके कुछ इतिहासकारों ने उन्हें धोखेबाज और पहाड़ी चूहे का नाम दिया। दरअसल हुआ क्या है, जो शिवाजी के पीरियड में जो इतिहास लिखा गया और जिन लोगों ने इतिहास लिखा, उसके दो धाराएं हैं, दो रूप हैं। एक फिर वही मुगल कोर्ट हिस्टोरियंस थे, और दूसरा वो जो बखर साहित्य था। बखर साहित्य वो है जो भारत का साहित्य है, जो मराठों का साहित्य है, जो मराठा इतिहास लेखन के अंतर्गत हुआ, जैसे सभासद बखर। ये बखर साहित्य शिवाजी को महिमा मंडित करता है, शिवाजी को एक रियल हीरो के रूप में शो करता है। जबकि हम जब औरंगजेब के पीरियड की बात करते हैं या उसके बाद की बात करते हैं, यानी कि मुगल हिस्ट्री और मुगल हिस्टोरियंस की बात करते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा है। औरंगजेब तो पहाड़ी चूहा ही कहता था, और इसके अलावा शिवाजी को पर और एक तो लुटेरा होने के आरोप लगाए गए। प्रश्न ये पैदा होता है यहाँ कि अगर शिवाजी ने सूरत को लूटा, शिवाजी अगर लुटेरा है, तो औरंगजेब क्या है? हैरानी की बात यह है कि लंबे वक्त तक NCERT की इतिहास की किताबों में भी शिवाजी हाशिए पर ही रहे, यहाँ तक कि किताब में शिवाजी की एक भी तस्वीर नहीं थी। इस साजिश के खिलाफ महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कई संगठनों ने लगातार विरोध दर्ज कराया और आंदोलन किया, जिसके बाद NCERT में शिवाजी पर अध्याय को बदला गया। तब कहीं जाकर शिवाजी के शौर्य का सच्चा इतिहास सामने आ पाया।